नमस्ते मेरे दोस्त, मैं हूँ अभी अयोध्या में और ये मेरी अयोध्या की नई सीरीज है। तो आप सभी को जय श्री राम। अभी मैं हूँ यहाँ पे राम की पैड़ी पे। काफी क्राउड दिख रहा है, शाम को कोई प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पे। बगल में ही मुझे मिल रहा था बिस्किट जो कि गर्मा गर्म था और छोटा छोटा था साइज में, मुझे काफ़ी यूनिक लगा। मैं यहाँ पे आया, मैं खाया। अयोध्या में कुछ भी मैं देख रहा हूँ छोटा मोटा, कुछ अलग जो मैंने कभी नहीं किया, मैं सब ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैं शाम के वक्त आ गया हूँ इधर घाटी पे। काफी क्राउड है, चहल पहल है पूरा। अभी मैं सरयू नदी के सैर पे हूँ और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कुंड बना हुआ है। इट सीम्स लाइक हवन कुंड है, काफी विशाल है और एक महायज्ञ की तैयारी हो रही है। मुझे ये जगह काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी, यहाँ पे आ गया हूँ मैं। काफ़ी एकड़ में ऐसे सफ़ेद सैंड है यहाँ पे सरयू नदी के किनारे। काफ़ी बड़े एरिया साइज में आवंटित किया गया है यहाँ पे। लक्षचंडी महायज्ञ होने वाला है, नाम मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। यहाँ पे बहुत ही बड़ा महायज्ञ कह सकते हैं इसको, इतना बड़ा यज्ञ अभी तक मैंने देखा नहीं। काफ़ी बड़ा एरिया है और एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे हजारों हवन कुंड बनेंगे और एक साथ यज्ञ किया जाएगा। और एक जप होगा, एक तप होगा, प्रभु का नाम होगा, एक साथ जब इतने लोग जय श्री राम का उच्चारण करेंगे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। ये महायज्ञ जो है राम मंदिर के उद्घाटन के बाद होगा, क्योंकि जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तब यहाँ पे 15 दिनों का महायज्ञ होने वाला है, जिसके लिए सरकार ने काफ़ी बड़ा एरिया आवंटित किया हुआ है। ये जो महायज्ञ है वो 22 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक चलने वाली है। जब पानी में ये सरयू नदी की सैंड होती है तो गीली होती है, जब भी आप पैड़ी से नीचे जाएंगे नहाने के लिए तो आपके पैर फिसल सकते हैं, वहाँ पर गीलापन होता है। अभी मैं हूँ सरयू नदी के किनारे में और जा रहा हूँ नागेश्वर टेम्पल। कहते हैं कि नागेश्वर टेम्पल अयोध्या का सबसे प्राचीन मंदिर है, क्योंकि इसे स्वयं राम जी के पुत्र कुश ने बनाया था। वो अपने काल में एक बार किसी नाग कन्या के प्रेम में आ गए थे, जिनके स्वरूप उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक इस मंदिर को बहुत अहम दर्जा दिया जाता है। ये प्राचीन मंदिर होते के साथ साथ इनको कई बार नष्ट किया गया है। जब बाबर वगैरह आए थे तो उन्होंने कई मंदिरों को नष्ट किया था, जिसमें एक ये भी था। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने इनकी रिपेयरिंग करवाई, इनको बनाया और तब से लेकर के आज तक इस मंदिर का निर्माण जब भी क्षतिग्रस्त होती है होता चला आ रहा है। बाबर और मुगलों की बात करें तो इन्होंने हमारे देश में सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, पूरे देश में अत्याचार किए हैं। हर जगह पे हमारी जो प्राचीन फेमस मंदिर थे, जिनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी, सबको नष्ट किया गया है और उन्होंने उनको नष्ट करके अपनी कई मस्जिद, कई इमारतें खड़ी की है। वो
कहते हैं ना कि हमने कई वर्षों की लड़ाई के बाद राम मंदिर की जो स्थापना है वो करवा पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद भी था, राम मंदिर भी था, तो इसके बीच कितनी लड़ाई है वो तो आपको पता है। लेकिन ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई पिछले 150-200 सालों से चली आ रही है। इस मंदिर की स्थापना के लिए लोगों ने अपनी जान की आहुति तक दी है, कितने लोगों की हत्याएं की गई है। जो बाबरी मस्जिद थी और हिंदू राम मंदिर था, तब से लेकर के हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। कहते थे कि पहले मंदिर था, पहले मस्जिद था, इस तरीके की चीज़ें होती थी। लेकिन मामला कोर्ट तक गया, बहुत सारे शोधकर्ता आए, बहुत आर्कियोलॉजिस्ट की टीम आई, उन्होंने खोजबीन की, हिस्ट्री जांची गई, पुरानी फाइलें निकाली गई, तब जा कर के पता चला कि पहले यहाँ पर मंदिर ही था। कैसे हो सकता है मस्जिद, क्योंकि जब बाबर, मुग़ल ये सब लोग आए थे पिछले 500, 600, 700 साल पहले, तभी तो मुस्लिम का आमंत्रण हुआ इस देश में। इससे पहले मुस्लिम ही कहाँ थे हमारे देश में, इन्होंने ही आकर के हमारे देश में शासन किया, राज किया, अपना साम्राज्य बनाया। इससे पहले तो हमारा देश राजतंत्र हुआ करता था, जहाँ राजपूत जैसे पृथ्वीराज चौहान, विक्रमादित्य जैसे कई अनगिनत राजा हुआ करते थे, जिन्होंने हमारे देश की कमान को संभाल के रखा था। मुगलों ने उन्हें छीन करके, जैसे मोहम्मद गजनी ने पृथ्वीराज को हराया अपने छल कपट से, इस तरीके से सब कुछ हरण कर लिया, हमारे राज्यों को जीत लिया और वहाँ पे शासन किया और कई लोगों को कन्वर्ट भी किया। अयोध्या में आप कहीं भी जाएंगे ना तो आपको बंदर ज़रूर मिलेंगे। कहा जाता है कि हनुमान जी हैं पूरे अयोध्या के राजा हैं, वो यहाँ पे आज भी विराजमान है। और मैंने ये हर जगह देखा है कि जहाँ भी, जिस भी पहाड़ी पे हनुमान जी का मंदिर होता है वहाँ पे बंदर होते हैं। तो एक तरीके से कह लीजिए ये उनका संकेत है कि वो आसपास है, वो इर्द गिर्द हैं हमारे हनुमान जी। खैर, धन होंगे हमारे पूर्वज जो इन जैसे साहसी और वीर राजाओं की छत्र छाया में रहे होंगे, उनको देखे होंगे, उन्हें लड़ाई करते हुए और युद्ध में उन्हें पार्टिसिपेट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। ये जो आप थाली देख रहे हैं 80 रुपये की थाली है, जिसमें अभी मुझे मिली है 2 प्लेन रोटी, चावल है, दाल है, एक ग्रेवी वाली सब्जी, एक सूखी सब्जी और थोड़ी मूली, प्याज और अचार। एनफ है, आई थिंक 80 रुपये की पूरी थाली है, मुझे लगता है कि एडजस्टेबल है और देखने में भी सुंदर लग रहा है, टेस्ट भी अच्छा ही होगा। बहुत ही बढ़िया थाली, मुझे तो लगा था कि 2 रोटी देंगे लेकिन ये पूरी 4 रोटियाँ देंगे। अभी पहले ख़त्म करते हैं इसको, 80 रुपये में ये थाली तो वर्थ है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा चखा है मैंने। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।